हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हिमाचल दर्शन गैलरी में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने हिंदी में एक छोटे छोटे लिरिक्स में डाले थे, कुछ जो मुंह से वर्डिंग हो रही थी। उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे होता है काम। उसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम ओपन करना पड़ेगा। क्रोम ओपन करके आपने जो इसको थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने इसको साइट डेस्कटॉप साइट पे साइट क्लिक करना है, फिर आपने अपना यूट्यूब खोलना है। फिर आपने अपने चैनल के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, अपने लोगो के ऊपर क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करना है। जिस वीडियो का आपने कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में डालना है, आपने जो भी लैंग्वेज है आपकी, तो आपने उसके ऊपर वीडियो के ऊपर, जैसे कि इस वीडियो का मैंने ऊपर पहले ही इसका कम्युनिटी डाला था कंट्रीब्यूशन हिंदी में, तो मैं इसको ओपन करूँगा, आपको बताऊँगा किस तरह से मैंने एडिट किया था। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एडिट के ऊपर। तो आपको देख रहे हैं, तो मैं एडिट एडिट ऑप्शन में आ गया हूँ। तो आपने इसका सबटाइटल सीसी पे जाना है लास्ट पे। ये बस सीसी का मींस होता है कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो आपको यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने पहले से हिंदी ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे कि आपने न्यू करना है तो वहाँ पर आपका ये वाला हिंदी ये आप वहाँ पर नहीं आएगा। जैसे आपने न्यू आपने वीडियो उसमें अपने लिरिक्स डालने हैं छोटे छोटे, तो आपने इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू सबटाइटल पे। फिर आपने जिस लैंग्वेज में डालना है, आपने इंग्लिश हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में आपने डालना है, तो यू कैन क्लिक ऑन इंग्लिश, जैसे कि इस तरह से। ये खुल गया। आपको बोल रहा है फाइल अपलोड करने के लिए। अगर आपकी फाइल पहले से फाइल बनी हुई है कहीं वर्ड में या टेक्स्ट में, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या किसी और फॉर्मेट में होती जिससे ये वो पिकअप करता है। तो मैं जो अभी इसको ऑनलाइन ही इसको एडिट करना चाहता हूँ, इसमें लिरिक्स डालना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट न्यू सबटाइटल और सीसी, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके पास सीधा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने जो भी लिरिक्स है। ये देखिए, ये खुल गया ना। जैसे कि मैंने पहले हिंदी में डाला होगा, तो हिंदी में भी जैसे कि चुप है नेता सभी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे खामोश बैठी है सरकार, नशे की खबरों से भरा पड़ा है हर दिन का अखबार, जैसे कि इसको आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। इसको जैसे कि पहले मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया, तो आप इसी तरह से इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसको जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको जो है इस तरह से ऑटोमेटिकली जो ये आपको इस तरह की ऑप्शन दे देगा, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन अलग से है, नीचे वाला अलग से है, ये आपको ऑटोमेटिकली जो है ये वीडियो का इस तरह से टाइटल में दे देगा। ओके, तो आपने क्या करना है इसका, जैसे भी इंग्लिश में तो इंग्लिश में आपने टाइप कर देना है इसमें, ठीक है। प्ले करते जाना है साथ में, जैसे जैसे ये वर्डिंग आएगी, तो साथ में ये आपको नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन सी आपकी ये हो रही है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है। देखो ये भी शो कर रहा है कि आपको जो है इस पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन डालना है, जैसे कि आप देखो इधर, ये देखो कुछ डब्बा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस तरह से मैपिंग होगी इसकी। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने कंप्यूटर में किया हुआ है, और इस पर भी आप कर सकते हैं, जब आप इसको लैंडस्केप में अपने सिस्टम को लेंगे, तो आप इस तरह से इसको जो है, जैसे कि यहाँ पर चुप बैठा है नेता,
आपको जो है साथ में शो करता जाएगा, जैसे ही मैंने लिखा चुप बैठे हैं नेता सभी, इसको प्ले करते जाएंगे हम साथ में, ठीक है। और देखिए चुप है नेता सभी, खामोश बैठी है सरकार, नशे की खबरों से बड़ा बड़ा है। अब मैं इस यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, जिसमें कुछ अपना ही नाम लिख दूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक दार सिंह, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने ये ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट आपको साथ साथ में यहाँ पर शो होता भी जाएगा, ओके। कि पहले आ गया था बिल्कुल, तो इस तरह से शो होता जाएगा। और आपको जो है और देखिए इसमें साथ में आपको जैसे आपने यहाँ पर जैसे अपना नाम लिख दिया, जैसे कि आप मास्टर, तो ये आपको शो होता है कि आपने इस पॉइंट ऑफ पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है, और आप यहाँ पर जो है हिरलिक्स डाला हुआ है। तो मैं अभी इस हिरलिक्स को कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पहले हिंदी से ही है, तो इसको मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता हूँ। देखिए मैं इसको जो है और ये कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं वापस आ जाता हूँ डैश मोड पे। तो इस तरह से आप अपने इसको लिरिक्स अपने जो भी वर्ड आपने बोलना है, या इंग्लिश में आपने जैसे कहा, जैसे कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, उसको जो आप इंग्लिश में टाइप कर उसको लिरिक्स को जो है आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, ताकि आप दूसरे कंट्रीज भी यार देख सकें। तो इजी तरीका है, आप इससे अपना जैसे कि अभी आप हिंदी में बना रहे, तो आप सिर्फ इंडिया में इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आपने किसी दूसरी कंट्री में अपनी वीडियो को चलाना है, तो आप इसको जो है इसमें इंग्लिश लिरिक्स डाल दो, तो वहाँ पर भी आपकी वीडियो शो हो जाएगी, ताकि आपका जो है चैनल ग्रो हो जाएगा, उससे बाहर भी कंट्री में आपकी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर कोई पता ना चले आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।